नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। और आइए जानते हैं इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज चर्चा का विषय आने वाला नया महीना रहने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च 2022 की। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि हम सभी 12 राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। बिना किसी विलंब के हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। लेकिन मैं कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं आप सबों से निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए बात करती हूँ तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए मार्च 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये महीना आप सबों के लिए एक सामान्य सा महीना रह सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपके जॉब और एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दिख रही है मुझे, क्योंकि वहाँ पे मंगल, शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव में बनी हुई है। खास करके नौकरीशुदा लोग जो हैं, एम्प्लॉयड पीपल हैं, उन स्थिति मुझे बहुत सहज नहीं लग रही। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं, तुला राशि के छात्रों के लिए ये समय बड़ा ही अनुकूल दिख रहा है। आपको आपके स्टडीज़ के लिए बहुत इंटरेस्ट जगेगी। आप अपने अध्ययन को बहुत ध्यान से करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर बनी हुई है। आपके लव इंटरेस्ट हो या विद्यार्थियों के पढ़ाई की बात हो, मुझे स्थिति बहुत अनुकूल दिख रही है। और अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की बात करूं तो देखिए, केतु ऑलरेडी आपके सेकंड हाउस में है और शनि, शुक्र और मंगल आपके चतुर्थ भाव में कुछ पारिवारिक मतभेद को उपजाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, मैं एक एक करके सभी आपके जो जीवन से जुड़े पहलुओं की चर्चा करूंगी। और इसी क्रम में सबसे पहले चर्चा मैं आपके करियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार की करती हूँ। करियर वाइज ये महीना थोड़ा सा मुझे ट्राइंग दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त से भरा हुआ ये महीना रहेगा। मंगल, शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव में बनी हुई है। यहाँ पे खास करके जो एम्प्लॉयड लोग हैं, उन्हें संयम से काम लेने की सलाह दूंगी और उन्हें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए अपने डे टू डे ऑफिस वर्क में। कुछ ऐसी इश्यूज उपज सकती हैं जिससे आपकी स्थिति ऑफिस में थोड़ी सी असहज आप हो सकते हैं। आप अपने सहकर्मियों से थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ी सी प्रतिरोध का सामना कर सकते हैं। ऑफिस पे कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र रची जा सकती है, कुछ अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। आप अपने सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, आपके जो वरिष्ठ हैं, आपको मैं सलाह दूंगी कि आप उन लोगों की बातों को सुने और ध्यान से प्रॉम्प्टली एक्ट करें। थोड़ी भी असावधानी आपके ऑफिस में जो आपकी छवि है उसको धूमिल कर सकती है। नहीं गलती होते हुए भी आपको इस तरह से बलि का बकरा बनाया जा सकता है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार ना हो। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं तो मार्च का महीना मैं आपको ठहरने की सलाह दूंगी, थोड़ा रुकने की सलाह दूंगी। आप अगर व्यापारी वर्ग से हैं तो वहां पर भी मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज तो दिख ही रही है। अभी अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं तो मैं बहुत आपको सावधानी, बहुत कॉशस से भरा हुआ ये समय है। आप बहुत फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाइए इस दिशा में। अभी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने या एक्सपैंड करने या उसमें और पैसा पंप करने की मत सोचिए, ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। कुछ दूरगामी निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप विशेषज्ञों की राय से इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अभी आप अपने बिजनेस को बढ़ाने से ज़्यादा उसे मजबूती, उसे सुदृढ़ता प्रदान करने में आप समय बिताएं, अपना ध्यान लगाएं। हालांकि ये सारी परिस्थितियां महीने के अंतिम दो सप्ताहों में बदल जाएंगी और आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि शुरुआत के दो सप्ताह आपके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सब कुछ सामान्य होता हुआ सा दिख रहा है। हालांकि अगर आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको वहां से मुनाफा मैं मिलते हुए देख रही हूं।
आइए इसी क्रम में बात करूं आपके फाइनेंस की, आपके वित्त की। लिब्रंस हैं, उनके लिए ये एक पूरे का पूरा साल बहुत प्रॉस्परस साल है। फाइनेंशियली आप रुपए पैसे के मामलों में बहुत तरक्की करते हुए दिख रहे हैं। गुरु बृहस्पति और सूर्य की युति मार्च के महीने में आपके पंचम भाव में हो रही है। बुध जो हैं वो भी महीने के प्रथम सप्ताह में गुरु बृहस्पति और सूर्य के साथ पंचम भाव में उपस्थित रहेंगे। ये यहाँ से आपको देखिए तीन शुभ, दो शुभ ग्रहों की दृष्टि, एक क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके 11th हाउस में पड़ रही है। ये सब कुछ बताता है कि आपको आय का लाभ मिलता रहेगा पूरे महीने। आप इनकम देखिए आपकी इंक्रीज डेफिनेटली होती हुई दिख रही है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो हालांकि जॉब में स्थिति डमाडोल बनी हुई है, लेकिन इनकम के मामले में आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। आप बहुत कंफर्टेबली इस महीने को लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो वहां आपको मैं खासा आर्थिक मुनाफा होते हुए देख रही हूं, और आप अपने एक्सपेंडिचर पे, अपने खर्चों पे थोड़ी सी लगाम रखिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे आपके षष्ठम भाव में, और यहाँ से मैं आपके बिजनेस और कॉमर्स में थोड़ा सा रुकावट देख रही हूँ, थोड़ी अड़चनों का सामना करते हुए आपको देख रही हूँ, कुछ डिसरप्शन देख रही हूँ आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी मैं फाइनेंशियल लॉसेस देख रही हूँ। आप नए इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मत सोचिए। अब मैं अगर आपके स्वास्थ्य की बात करूँ तो देखिए लिब्रंस के लिए स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके षष्ठम भाव के लॉर्ड हैं और फिफ्थ हाउस में सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं। फिफ्थ हाउस आपके षष्ठम भाव से 12वां होता है, मतलब बीमारियों का अंत। पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह की युति होती है तो ये बताता है कि आपके षष्ठम भाव में रोग, ऋण और शत्रुओं का, आपकी बीमारियों का क्षय होगा। ये समय आपके लिए बहुत उत्तम है। यहाँ पर आप अपने खोए हुए फिजिकल फिटनेस को प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिख रहे हैं, और अगर किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी समस्या आप स्वास्थ्य के लिहाज से आप फेस कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ डेफिनेटली हो रहा है। आप अपने खाने पीने पर ध्यान बनाए रखिए। सुबह सवेरे खुली हवा में थोड़ी देर सैर जरूर कीजिए। और इतना ही नहीं, आपके साथ आपके फैमिली मेंबर्स का भी मैं हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ देख रही हूँ। ये है कि फादर के हेल्थ में भी मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। अगर आपके पिताजी पिछले दिनों कुछ बीमार चल रहे थे तो उन्हें डेफिनेटली उनका हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और जब सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में सन आपके षष्ठम भाव में आ जाएंगे तो आपके पिताजी के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ से उनको मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल पेन दोनों में उनको बहुत आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, और आप पूरे महीने मुझे गुड हेल्थ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। बात आपके लव लाइफ की करूं तो देखिए ये बहुत ही एक फेवरेबल टाइम है। जैसा मैंने पहले भी बताया, सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं जो कि फोर्थ हाउस में आए हुए हैं, और इसके अलावा फिफ्थ हाउस में आप जुपिटर, मर्क्यूरी और सन की युति बनी हुई है। इन तीनों प्लैनेट्स का कंजंक्शन बना हुआ है, और अगर आपके लव मेट के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा था, कोई विवाद चल रहा था, तो वहाँ पे मैं अंत देख रही हूँ। और इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग दोनों के बीच आपसी सहयोग, आपसी विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप नई शादी के बंधन में बंधे हैं, न्यूली वेड कपल हैं, तो वहाँ ये पीरियड आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस रहने वाला है, बहुत प्यार और रोमांस से भरा हुआ रहेगा। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को कद्र करेंगे। इसके अलावा आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप की जो नींव होती है वो आप इस समय रखते हैं, किसी नए संबंध में आते हैं, तो ये बहुत ही एक फेवरेबल टाइम है। और इस समय की रखी हुई नींव आपको बहुत लंबे समय तक आपके जीवन में साथ निभाएगी। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप
अपने कभी भी वैवाहिक रिश्ते या अपने प्रेम संबंधों में आप अपनी सुपीरियॉरिटी को साबित करने के लिए कुछ भी अपने पार्टनर को ओवर पावर करने के लिए अपने पार्टनर के मनोभावों को ना समझते हुए अपनी बात मनवाने की जिद ना कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ही एक खुशनुमा समय की शुरुआत देख रही हूँ। मंगल आपके सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं और आपके फोर्थ हाउस में अपने एग्जॉल्टेड साइन कैप्रिकॉर्न में रहेंगे। ये एक बहुत ही इतना खुशनुमा समय बनाता है आपके घर परिवार में कि आप बहुत ही अच्छे से इस समय को एंजॉय करेंगे। और अगर आप पुराने शादीशुदा हैं तो भी आपके जीवन में आपके संबंधों में एक बहुत अच्छा खुशनुमा ठहराव आएगा। आप बहुत अपनी फैमिली लाइफ अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके मैं अलग से भी अगर फैमिली और फ्रेंड्स की बात करूं तो देखिए केतु सेकंड हाउस में है और सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में है। यहाँ पे शुक्र और मंगल की युति है। ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा समय है। अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था घर परिवार में भाई बहनों में तो वहाँ थोड़ा सा मैं ये झगड़ा बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आप फैमिली के बाकी सदस्यों के बीच में परिवार के बाकी सदस्यों के बीच में थोड़ी सी मतभेद इस प्रॉपर्टी के या किसी एक विवाद को लेकर चौड़ी हो सकती है। ये दरार ये खाई चौड़ी हो सकती है। बस इसी बात का ध्यान रखिए कि कोई भी गर्मा गर्मी कोई बहस ना हो पाए परिवार के बाकी सदस्यों के बीच में और आप अपने बड़ों से संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए जो भी आपके बड़े भाई बहन परिवार में बुज़ुर्ग हैं उनसे आप अपने संबंध को बनाए रखिएगा। किसी भी कीमत पर उन्हें डिसरिस्पेक्टफुल उनके लिए मत होइएगा और अपने भाई बहनों से भी संबंध आप मधुर बनाने की चेष्टा कीजिए। आप हो सकता है आपके छोटे भाई बहन किसी भी एक इशू को लेकर थोड़े से आपसे खिन्न हो सकते हैं लेकिन ये बहुत ही एक छोटी मोटी घटना होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके अगेंस्ट जा रही है। और सेकंड हाफ अगर मैं इस महीने की देखूँ तो बात करूँ तो यहाँ पर आपके स्थितियाँ आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। सेकेंड हाफ आप फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी थे आपके भाई बहनों के बीच में वो सुलझते हुए दिख रहे हैं संभलते हुए दिख रहे हैं और आप शांतिपूर्वक अपने परिवार में समय बिताते हुए भी दिख रहे हैं। मुझे सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं पूरे महीने को बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको ज्योतिषीय सलाह दूंगी कि आपकी कुल देवी जो हैं या जो भी आपकी इष्ट देवी हैं आप उनकी आराधना जरूर करते रहिए। शुक्रवार के दिन आप चावल का अगर दान करें जितनी भी आपकी इच्छा हो इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करता आपकी भावना मैटर करती है। आप दान करें बहुत अच्छा रहेगा। आप पीले चने के दाल को आप अगर गौशाला में दान देते हैं गाय माता को खिलाते हैं तो गुरुवार के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैंने हमेशा बोला है कि आप पौधों में पानी डालिए एनवायरनमेंट के लिए काम कीजिए। जितनी भी छोटी मोटी हम एक इकाई हैं इस ब्रह्मांड के और एक छोटी सी इकाई होने के नाते एक छोटा सा भी अगर हम एफर्ट अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाने के लिए करते हैं तो ये आपके लग्नेश को बहुत मजबूत करता है। आज की वीडियो में इतना ही। चलती हूँ आपसे बहुत जल्दी फिर एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद जय भारत।